वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स जैसे भी बोलो, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स से। नॉर्मली जो मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स और बुक्स भी रादर रे से स्टार्ट करती है, पर मैं वेव से स्टार्ट करूँगा। वेव स्कोरिंग है और जल्दी भी ख़त्म होगा 10-12 दिन में, और रे चलेगा 1 महीना। वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स या ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? ऑप्टिक्स का मतलब है लाइट की स्टडी, लाइट को स्टडी करना ऑप्टिक्स है। अब पॉइंट ये है कि लाइट को स्टडी करना ऑप्टिक्स है, तो लाइट में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम थोड़ी, लाइट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। लाइट के ऊपर लोगों ने, आप अंदाज़ा लगा लें, 1600 सदी में काम शुरू हो गया था। 1906 आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला फाइनली लाइट को कंप्लीट स्टडी करने के लिए। 400 साल से ऊपर साल लगे लाइट को स्टडी करने के लिए। आप सोचेंगे फिर ऐसा क्यों हो गया, ये मतलब इतने साल साइंटिस्ट लोग क्या करते रहे? एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है, लाइट के तीन फेसेस हैं, तीन चेहरे हैं। वो एक चेहरा तो पहचान में आ रहा है, दूसरा पता ही नहीं, तीसरा पता ही नहीं, 400 साल बाद पता, तीसरा चेहरा भी है इसका। जैसे कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं लाइट के जो कि सिर्फ और सिर्फ ये मानते हुए प्रूव किए जा सकते हैं कि लाइट की रेज है, लाइट की रेज आती हैं और रेज जैसे मिरर पे टकराती हैं और आप अपनी शक्ल देख सकते हो, ऐसे ही है, अपनी फोटो देख सकते हो, अपनी शक्ल देख सकते हो, तो ये रे ऑप्टिक्स का फिनोमिना है। तो लाइट को हम क्या ट्रीट कर रहे हैं? रेज, रेज। या लेंस का फिनोमिना, लेंस में लाइट गई, तो रे ऑप्टिक्स का फिनोमिना है। इसमें हम लाइट को वेव ट्रीट करते ही नहीं है। और कभी आपने सुना आइंस्टाइन ने लेंस यूज किया था और उसमें फोटोन्स गए थे? कभी भी सुना नहीं होगा। तो लाइट जो है वो रेज की फॉर्म में है, तो रे ऑप्टिक्स है। अब कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जहां पर दो लाइट्स मिलके एक नई लाइट प्रोड्यूस हो जाती है, और दो लाइट मिलके नई लाइट प्रोड्यूस तो एक ही तरीके से हो सकती है अगर लाइट की क्या नेचर है, वेव नेचर, क्योंकि दो वेव मिलके एक नई वेव जनरेट होना वेव नेचर का काम है। तो लाइट की वेव नेचर भी है। कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जिसको इंटरफेरेंस बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो सिर्फ और सिर्फ ये मानते हुए प्रूव किए जा सकते हैं कि लाइट की क्या नेचर है, वेव नेचर है, वो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो आप इंटरफेरेंस को, लाइट्स को मिला के, दो लाइट को मिला के नई लाइट का प्रोड्यूस करना, इसको लाइट की रेज से एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। तो दूसरी थ्योरी हो गई। ये सारा स्टडी करने के बाद 1906 में आइंस्टाइन कहता है कि लाइट की तीसरा चेहरा है फोटोन्स। वो कहता है जी ना रे है ना वेव है, कहते हैं तो पैकेट की बनी हुई है फोटोन्स की, और उसने प्रूव भी किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसने थ्योरी बनाई थी उसकी। तो लाइट कुछ फिनोमिनाज ऐसे हैं जो कि एक्सप्लेन किए जा सकते हैं ये मानते हुए कि लाइट की क्या नेचर है, फोटोन नेचर है। तो आपका प्लस टू का कोर्स कैसा है, जो 50% कोर्स है वो यही तो कोर्स है। उसमें से 10% कोर्स है वेव नेचर, उसमें से 25% से ज़्यादा कोर्स है रे नेचर, रेज, रे डायग्राम, और उसमें जो बचा हुआ कोर्स है वो है फोटोन नेचर, फोटोन के हिसाब से काम चलना, आइंस्टाइन की थ्योरी चलनी है। तो बात समझ में आ रही है कि अब हम सेकेंड फेज में क्या करने वाले हैं। मैंने पूरे इस प्रोसेस में ना इलेक्ट्रिक फील्ड बोला, ना मैग्नेटिक फील्ड बोला, ना ईएम वेव बोला, चाहिए ही नहीं है कुछ भी। फर्स्ट वॉल्यूम का सेकेंड वॉल्यूम से कोई लेना देना है ही नहीं, बात ही खत्म। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, सबसे पहले काम न्यूटन ने किया था लाइट पे, थ्योरी फेल हो गई थी। फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है हाइगन्स। हाइगन्स ने अपने प्रिंसिपल बताए थे जो बिल्कुल सक्सेसफुल थे, लेकिन उसको ये चीज़ सिर्फ लगती थी। उसने कहा कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे मैथमेटिकली उसने बताया कि लाइट ऐसे ट्रेवल करती होगी, लेकिन वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाया लैब में जो बता सके कि उसकी वेव नेचर है। और उसने ये डिक्लेयर किया था कि ये वेव की फॉर्म में ज़रूर ट्रेवल करती है, लेकिन उसको पूरी तरह नहीं पता था। 100 साल बाद एक साइंटिस्ट आया, यंग्स, यंग्स एक्सपेरिमेंट। यंग ने लैब के अंदर प्रूव करके बता दिया कि हाइगन की थ्योरी बिल्कुल एब्सोल्युटली सही थी और इसकी वेव नेचर है। उसने लाइट, दो लाइट को मिला के एक नई लाइट स्क्रीन पे करके दिखाई, और मैथमेटिकली आज हम उसको करेंगे भी, और जो ये प्रूव करता है कि लाइट की वेव नेचर है। पैरेलल काम तो मैक्सवेल का भी चल रहा था, इतने में ईएम वेव भी पैदा कर दी थी। ईएम वेव हमने किया हुआ है, उसमें भी पता लगा कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब क्रेस्ट और ट्रफ में ट्रेवल करती है।
और फिर 1906 में बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। तो ये करने के बाद हम अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको शीट दी है मैंने, हाइगन्स प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले ये कहाँ से स्टार्ट है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किए हुए आपने टेंथ में। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, जब एक लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, पहला लॉ। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज साइन आई बाय साइन आर, दो चीज़ें आपने की हुई हैं। नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सी बाई वी, मतलब रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, वैक्यूम एंड मीडियम। तो ये म्यू की वैल्यू है। तो ये आपकी तीन चीज़ें बड़ी बेसिक हैं जो आपको पता होनी चाहिए।